Good morning to everyone. I hope you all are fit and fine wherever you are. And today again I am back with the poster. पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कोशिश की थी कि पोस्टर कैसे बनाना है, जो कि क्लास 12 CBSE और RBSE दोनों पैटर्न में आता है. पोस्टर बनाना उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी. जो भी व्यक्ति रचनात्मक होता है वो बहुत ही अच्छा पोस्टर बना सकता है. पोस्टर बनाने के लिए जो मुख्य बातें हमें ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही है कि जो भी हम बनाएं तो वो लेटर्स थोड़े डार्क होने चाहिए पेपर पे. कोई कलर नहीं यूज़ करना, पेन से ही डार्क बनाना, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था. सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि उसके अंदर कुछ ऐसे स्लोगन होने चाहिए, ऐसे स्लोगन्स हम क्रिएट कर लें या करें जो लोगों के दिमाग को स्ट्राइक करें, लोगों के दिमाग में वो बना रहे, तभी वो मोटिवेशन और इनक्रेजमेंट मिल सकता है लोगों को, जिसके लिए पोस्टर है. पोस्टर इज़ फॉर व्हाट? टू स्प्रेड द मैसेज फॉर वेलफेयर. वेलफेयर के जो मैसेज होते हैं सोसाइटी के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए पोस्टर्स का प्रयोग किया जाता है. आपने देखा भी होगा हिंदी में बहुत सारे पोस्टर्स हैं, जल है तो कल है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव फ्यूल, सेव गर्ल चाइल्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये सारे अवेयरनेस के लिए बनवाए जाते हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें ये तो बनाना आना ही चाहिए, और इसके लिए मैंने जैसा पहले भी कहा क्रिएटिविटी होनी चाहिए. तो मैंने बनाने की कोशिश की है. आई एम नॉट ए गुड पेंटर, बट आई हैव ट्राइड टू राइट समथिंग विथ माई ओन स्किल, वट एवर आई हैव, कि मैं कैसे आपको समझा पाऊँ. मेरे पास मान लो ये टास्क आ गया तो मैं कैसे समझा पाऊँ आपको, तो वैसा मैं आपको कहूँगा कि आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे समझा पाओगे लोगों को, वो आपको सोचना है. दैट इज़ व्हाट द क्रिएटिविटी, और उसी को पेपर पर लाना है. सो आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है टुडे, व्हाट आई हैव सेलेक्टेड द टॉपिक इज डोनेट आईज. आई डोनेशन बहुत ही कम लोग करते हैं. एक ऐसी परंपरा है हमारे समाज में कि आई डोनेट करने से अगर अगला जन्म होता है तो वो आदमी अंधा ही पैदा होगा. ऐसा कुछ भ्रांतियाँ हैं लोगों में. कहाँ तक सच है या झूठ है इसके बारे में मैं भी आपको नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो है कि अगर हम अपनी आईज डोनेट करें तो किसी न किसी व्यक्ति को जो कि ब्लाइंड है उसकी आँखों में हम रंग भर सकते हैं. और ये देखा ही होगा आप लोगों ने, कुछ लोग आई डोनेट करते हैं. अब आई डोनेशन का एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है कि मरने से पहले अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है, और उसके बाद में जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो इन्फॉर्म करना पड़ता है जिस जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उसके फैमिली मेम्बर्स को, और वो आके जो भी प्रोसेस होता होगा उससे वो आँखें लेकर जाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन, थिंकिंग दैट आई हैव टू कन्वे द मैसेज टू द सोसाइटी एंड टू इनकरेज देम टू डोनेट द आईज. लेट्स सी व्हाट आई हैव डन. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि पोस्टर बनाने के लिए जो भी पेज होगा उसका सेंटर ले लें तो बेटर ही है. अब जब आईज डोनेट करना है तो नेचुरली आईज बनना चाहिए. जैसा भी आंखें मैं बना पाया हूँ वो मैंने यहाँ पे बना दिया है. दो आंखें मैंने बना दी, आप चाहो तो एक भी बना सकते हो. मैंने क्या स्लोगन जो चुना है, मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा ये लोगों पर, तो वो ये है कि लेट योर आईज लीव आफ्टर यू. आपके जाने के बाद, मतलब मरने के बाद, आपकी आंखों को जीवित रहने दें. आपकी आंखें फिर भी रह सकती है, जीवित रह सकती है, इसका मतलब ये है आप तो चले जाओगे लेकिन आपकी आंखें फिर भी रह सकती है, आपकी आंखें फिर भी जीवित रह सकती है. और भी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता था लेकिन मैंने वो जोड़ा नहीं है, एक सिंपल सा जिससे कि इम्पैक्ट भी अच्छा हो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें मार्क्स अच्छे आ जाएं. फिल कलर्स इन समवंस लाइफ, किसी के जीवन में रंग भरें. रंग तो इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति ब्लाइंड होता है उसके लिए तो पूरी दुनिया डार्क होती है, वो तो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन अगर आपने आई डोनेट की है और उससे उसको आंखें मिली है तो वो दुनिया के रंग देख सकता है. बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जैसा आप जानते हो. और उसके बाद मैंने लिखा है डोनेट आईज, की आंखों का दान करें.
छोटे से तीन और पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं, सेट एन एग्जाम्पल, मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो एक उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हो समाज के सामने कि आपने ऐसा किया, तो इससे शायद लोग प्रेरित हो जाएंगे। और भी एनकरेज पीपल, लोगों को प्रोत्साहित करें, एक ही बात है वैसे तो। ए न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। क्यों, मैंने शुरू में कहा था कि आंखें डोनेट लोग नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, अभी भी इस क्षेत्र में अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा कमी है, और हमें इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो अपने आई डोनेट करें। अब ये क्या प्रोसेस है कि कोई भी सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है या कोई क्लब्स होते हैं, ऐसे संस्थाएं कुछ है जो ये कार्य करती है सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो वो हमें करना क्या होगा? आई डोनेशन का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद ही होगा, इसलिए पहले नाम रजिस्टर कराना पड़ता है, उसमें वो परफॉर्मा होता है, उसमें वो सारे डिटेल्स हमें भरने पड़ते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट कर दिया है, इस तरीके से जब भी करते हैं हम लोग पोस्टर में, दैट इज कॉल्ड एज ए हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग मतलब दूर से व्यक्ति देख सकता है कि कुछ स्पेशल केस है यहाँ पे। सो रजिस्टर योर नेम्स विथ अस, हमारे साथ। और अस में कौन है? वही है जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि जब भी कोई पोस्टर बनाया जाता है तो उसमें इशूड बाई, किसने जारी किया वो पोस्टर, उस संस्था का नाम जरूर आना चाहिए। तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। हिंदी में लिखते हैं सौजन्य से, और जारीकर्ता भी लिख सकते हैं, या अंग्रेजी में जब हम लिख रहे हैं तो इशूड बाई रेड क्रॉस सोसाइटी जालौर, मतलब ज़्यादातर ऐसी संस्थाएं होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी, लियो क्लब, रोटरी क्लब, ऐसी संस्थाएं जो है ऐसे प्रोग्राम्स काफ़ी रखती है। मोबाइल नंबर, जिससे कि जो व्यक्ति अपने आँखों को डोनेट करना चाहे वो इस संस्था से संपर्क कर सके। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी कई सारे पोस्टर्स हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उनमें से एक दो टॉपिक और मैं करके बताऊंगा। देर इज नथिंग मच इन दिस टू टेल यू कि आपको क्या करना है, इट इज़ ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, आप कितना सोच सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पोस्टर बनाने के लिए, पर जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो हमेशा ध्यान में हमें रखना पड़ता है, और वो बेसिक आइडिया है कि बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए और दूर से दिखे, और अट्रैक्टिव होना चाहिए, और अच्छे अच्छे स्लोगन्स होना चाहिए। विद डेट आई एंड दिस, आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक इट एंड टेल अदर्स ऑल्सो टू शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।